Channel, I'm a realistic vlog. This is Meena from Jammu and this is my second vlog. So guys, जैसे कि मैंने आपको अपने first vlog में बताया था कि मैं आपके लिए लाऊंगी कुछ ऐसी foundation form remedies जिसके थ्रू आप अपनी स्किन की केयर बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में कर सकते हो. सो मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ कुछ ऐसे तीन तरीके जिसके थ्रू आप अपनी स्किन के टेक्सचर को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो. सो गाइज, विदाउट फर्दर आईडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. टमाटर हमारी घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टमाटर के साथ हमारी स्किन को कितना फायदा है ना गाइस? टमाटर के अंदर टमाटर का जो पीएच होता है वो 4.3 से लेकर 4.9 के बीच होता है और जो हमारी स्किन का जो पीएच होता है वो 5 के आसपास होता है. सो आप लोग देख सकते हो कि टमाटर और स्किन के पीएच कितना सिमिलर है. सो बस इस वजह से टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम टमाटर को किस वे में यूज कर सकते हैं और किस चीज के लिए, किस स्किन के लिए यूज कर सकते हैं. तो गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम ऑयली स्किन की है या फिर ओपन स्पॉट की है या ब्लैक हेड्स की है, तो आपको एक टमाटर को लेकर उसको बीच में से कट करना है और उस टमाटर को में से आपको दो पीसेस आएंगे. उन दोनों टमाटर को आपने पीसेस को लेकर अपने फेस के ऊपर अच्छे वे में रगड़ना है कुछ इस टाइप से. उसके बाद आपको उसको कुछ 15 मिनट के लिए रहने देना है और उसके 15 मिनट के बाद आपको उसको रखने के बाद आपको उसको गूंदने पन के साथ वॉश कर देना है. सो गाइस, आप लोग देख सकोगे कि आपकी स्किन में आपको क्या महसूस होता है, आपको अलग ही ज़्यादा आपको फील आएगा. सो गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो आप नेक्स्ट गाइस, अगर आपको अपने टमाटर को स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ करना है, डी टाइनिंग के लिए यूज़ करना है, अपनी स्किन को निखारने के लिए यूज़ करना है, गोरा होने के लिए यूज़ करना है, सो गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को एक टमाटर लेना है, उसको अच्छे से मैश कर लेना है. मैश करने के बाद आपको 2 चम्मच भरे इसमें मुल्तानी मिट्टी के डालने हैं और एक पुदीना लेकर उसको अच्छे से मैश करने के करके 1 चम्मच का उसका पेस्ट बनाकर उसमें मिक्स कर लेना है और तीनों के मिक्सचर को आपने अपने फेस पर एज अ फेस मास्क यूज करना है. तो गाइस, उसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस से वो मास्क इतनी देर तक नहीं धोना जब तक आपको आपका फेस में इसकी छाप महसूस ना हो, आपको सूख ना जाए प्रॉपर वे से. उसके सूखने के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना और फिर आप मुझे बताइएगा आपको अपने फेस के में क्या चेंज दिखाई देता है. सो गाइस, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा. और सो गाइस, नेक्स्ट आप इसको एक एज टोनर भी यूज कर सकते हो, स्किन टोनर. सो गाइज, आप लोग जानते होंगे स्किन केयर में एक टोनर का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो. सो गाइज, आप इसको एज ए टोनर यूज कर सकते हो क्योंकि ये हमें एक हेल्थी स्किन देता है. सो गाइज, आप इसको एक टोनर कैसे यूज कर सकते हो. सो आपने एक टमाटर लेना, उसको अच्छे से मैश कर लेना है और एक आपने खीरा लेना है, उसको भी अच्छे से मैश कर लेना और दोनों को इकट्ठा करके एक सूती कपड़े में डालकर उसका जो पानी निकलेगा आपने उसको एज स्प्रे बॉटल में डालकर एज ए टोनर अपने फेस पे अप्लाई करना है गाइस. और ऐसे आप इसको लगातार अप्लाई करने से आपको एक हेल्दी स्किन मिलेगी, आपके अंदर जो डीप पिगमेंटेशन होगा वो कम होगा, जिसका हाइपर पिगमेंटेशन होता है जिसकी वजह से आपके फेस में छाई या कील मुहासे वगैरह आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, उससे इसके अंदर जो लाइट पेन होता है उसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा आपको इसके फायदे मिलेंगे. इसकी वजह से आपके फेस में जो एज की वजह से जो आपको फाइन लाइंस आ जाती हैं, छाइयां आ जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आप फेस करते हो, ये इससे भी आपको बचाता है. सो इसलिए गाइज, आपको इसकी मदद से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है और गाइज आप इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं. सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो आज की वीडियो में आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे बताइएगा और आप इन होम रेमेडीज को यूज करके आप अपनी स्किन की केयर अच्छे वे में कर सकते हो. और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज गाइस, अगर हो सके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो मत करना, अपनी मर्जी वीडियो बनाए गाइज और सब्सक्राइब तो आप देख लेना. ओके गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, गुड लक, हर महादेव.